बैलेंस्ड डाइट, ऐसी डाइट जिसमें सारे सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें भी मिल रही हैं जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर हैं, ठीक है। तो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए, पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए वो डाइट। दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वान्टिटीज, सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का पर्टिकुलर काम है। अगर हम एक ही टाइप की डाइट ले रहे हैं तो मतलब दूसरी चीज़ों की डिफिशियंसी हो रही है। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब ये उसमें सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और विटामिन्स। किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है तो ही ना कोई तो ही हमें किसी चीज़ की डिफिशियंसी होती है, फिर वो बीमारी के फॉर्म में दिखाई देता है। और नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। बैलेंस्ड का मतलब ये है किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए डाइट में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रेग्यूलर एंड वाटर, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी उसमें होनी चाहिए। ये इसलिए है कि जो एक्स्ट्रा मतलब अनडाइजेस्टेड जो रह जाएगा पार्ट उसे बाहर निकालने में ये हेल्प करेंगे। इसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होगा, जैसे पल्स, दालें हैं, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, स्प्राउट सीड है, फर्मेंटेड फूड है, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, आटा है, बनाना, स्पेनिश सत्तू, मतलब ये सारी चीज़ें मिला के जो बैलेंस डाइट बनती है वो है। उसमें सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए तभी वो बैलेंस डाइट कही जाएगी और वो रिक्वायर है बॉडी के लिए। मतलब एक टाइप की डाइट नहीं लेनी है, उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। इफ़ द वेजिटेबल और फ्रूट्स आर वॉश्ड, वेजिटेबल भी लेने, फ्रूट्स भी लेने, अगर वो उन्हें वॉश कर दिया जाए आफ्टर कटिंग के बाद या छील दिया जाए तो उसमें कुछ चीज़ों का लॉस हो जाता है, जैसे विटामिन कुछ लॉस हो जाता है, और विटामिन सी है वो अगर हीट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसने प्रॉपर अमाउंट में अगर हम खाना भी ले रहे हैं तब भी प्रॉपर अमाउंट में, ज़रूरी नहीं वो न्यूट्रिशन भी हम ले रहे हैं। तो अगर प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो होगा क्या, हो जाएंगे डिजीजेज, जिन्हें कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। ए पर्सन में बी गेटिंग एन अ फूड टू ईट, मतलब हर इंसान खाना इतना खा रहा है कि उससे भूख जितनी है वो पूरा हो रहा है, एनफ है, बट ऐसा हो रहा है कि बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता। मान लो प्रोटीन की कमी हो गई, जनरली ये होता है कि प्रोटीन प्रॉपरली नहीं ले रहे जितनी रिक्वायरमेंट है। इफ दिस कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू रहे, जैसे विटामिन है, प्रोटीन, ये सब कुछ कंटिन्यू, इसकी कमी बनी रहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए, तो पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो उसकी कमी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज, अगर इनकी डिफिशियंसी बहुत लंबे टाइम तक रहेगी तो डिजीज हो जाएगी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। डिजीज जो हो रही हैं अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीज हो रही हैं उन्हें कह रहे हैं डिफिशियंसी डिजीज। और जो कमी है वो कब तक हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए आप इग्नोर करें उस चीज़ों को, तब तो।